गुम है किसी के प्यार में सीरियल में अब तक आपने देखा कि ईशान सभी को लेकर घर पहुंचेगा। वो सबको बताएगा कि उसकी जान बचाने में सभी को गोली लगी है। घर वाले ये सुनकर चौंकेंगे कि ईशान सभी को अपने कमरे में रखना चाहता है। कुछ देर में रीवा भी वहां पहुंच जाएगी। अक्का साहिब ईशान से कहेगी कि वो सभी को कभी इस घर की बहू नहीं मानेगी। ईशान सभी को अपने बेडरूम में लिटाएगा। अक्का साहिब और यशवंत लोग उसके कमरे के बाहर आकर बात करेंगे तो सबको बाहर जाने को बोलेगा। अक्का साहिब कहेंगे कि सभी के लिए वो सबको घर से निकाल रहा है। ईशान बोलेगा कि सभी ने उसकी जान बचाने के लिए गोली खाई है। वो सबको समझाएगा कि अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। अक्का साहिब कहेगी कि किसी कीमत पर वो सभी को अपनी बहू नहीं मानेगी। तब तक रीवा वहां आएगी। तुरवा आकर बोलेगी कि रीवा वाहिनी आ गई है। वो बोलेंगी कि रीवा ही उसकी वाहिनी है। सभी गमवाल को कभी वाहिनी नहीं मानेगी। सभी को होश आएगा। वो बोलेगी कि ताई के पास जाना है। ईशान रीवा को देखकर रोएगा। सभी का माथा सहलाएगा। अक्का साहिब रीवा को देखकर खुश होंगी। रीवा माफी मांगेगी कि बिना बताए आ गई। रीवा बताएगी कि आई बाबा से सारे रिश्ते नाते तोड़कर आ गई हूँ। बोलेंगी कि ईशान के बिना वो रह नहीं पाएगी। ईशान कहेगा कि रीवा इस घर में नहीं रह सकती। ईशान रीवा से जाने के लिए कहेगा। रीवा कहेगी कि उसे हाथ पकड़कर बाहर निकाल दो। ईशान घुटनों पर बैठ जाएगा। रीवा कहेगी कि उसमें हिम्मत नहीं है कि दूर चली जाए। उससे कहेगी कि सिखा दे कि उसके बिना कैसे रहना है। सुलेखा बोलेगी कि रीवा को इस घर से कोई नहीं निकालेगा। बोलेगी ये मेरा घर है, यहाँ मेरा फैसला चलता है और मैं फैसला ले रही हूँ कि तू यहीं रहेगी। दुर्वा ईशान के कमरे में रीवा और ईशान की तस्वीर टांगेगी। प्रीकैप में दिखाया जाएगा कि सभी को होश आएगा। वो चौंक जाएगी कि वो ईशान के घर में है। वो पास में रीवा के साथ उसकी शादी का कार्ड देखेगी। ईशान से पूछेगी कि क्या सोचकर उसने शादी कर ली। ईशान और दुर्वा की तस्वीर गिर जाएगी और रीवा दौड़ कर आएगी और ईशान को गले लगा लेगी।